तो आज ये थंबनेल बनाना सिखाऊंगा पिक्सआर्ट में मल्टी प्लेज की तरह है, तो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले हमको अपना पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, उसके बाद यहाँ से एडिट फोटो पर यहाँ से क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है बैकग्राउंड वाला ऑप्शन, उस पर टैप करना है। बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर इस पर टैप करने के बाद कोई भी एक बैकग्राउंड आपको ऐड कर लेना है, कोई भी कलर का आप ऐड कर लेना। उसके बाद यहाँ से टूल्स पर चले जाना है। इस पर जाने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा क्रॉप का, इस पर टैप करना, फिर 16:9 वाले ऑप्शन को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है और इसको डन कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हमको ऐड फोटो वाला बटन है, इस पर आ जाना है। ऐड फोटो वाले बटन पर आने के बाद यहाँ से हमको अपने गेम प्ले के 2 स्क्रीनशॉट यहाँ से ऐड करनी है। तो अपने गेम प्ले के कोई भी 2 स्क्रीनशॉट आप ऐड कर लेना, तो मैं यहाँ से ये ऐड कर लेता हूँ 2 स्क्रीनशॉट। तो दोनों को यहाँ से मैंने ऐड कर लिया है, तो ऐड पे टैप कर दिया। उसके बाद यहाँ से क्रॉप वाला बटन है, इस पर टैप करना है और यहाँ से स्क्वायर शेप है, इस पर आपको सेलेक्ट करके अपना जो स्क्रीनशॉट है उसको अच्छे से कट कर लेना है। उसके बाद इसको डन कर लेना है, यहाँ से राइट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे और अपना जो इसका साइज़ इंक्रीज कर लेंगे पहले तो अपने थंबनेल के अकॉर्डिंग इस तरह से, और जो अपना सेकंड वाला स्क्रीनशॉट है उस पर भी टैप करेंगे। फिर क्रॉप पर जाएंगे, इसको भी स्क्वायर शेप पे यहाँ से स्क्वायर शेप है इस पर इसको कट कर लेंगे अच्छे से अपने थंबनेल के अकॉर्डिंग, इसको राइट कर देंगे। अभी इसका भी साइज़ यहाँ से हम इंक्रीज कर लेंगे। देन अभी यहाँ से दोनों स्क्रीन शॉट को हम कुछ इस तरीके से ऐड कर लेंगे, देख सकते हैं। और जो बीच में जो लाइन आ रही है दोनों थंबनेल्स के बीच में, वो थंबनेल के बिल्कुल बीचों बीच में आनी चाहिए कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। तो दोनों अच्छे से सेट हो चुके हैं हमारे। तो अभी यहाँ से हम ऐड फोटो पे जाकर अपना जो भी कैरेक्टर हम इसमें यूज करना चाहते हैं वो यहाँ से हम ऐड कर लेंगे। तो आपको मैं कई सारे कैरेक्टर्स की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कोई भी आप चाहे जो उसको ऐड कर लेना। तो पहले तो फिलहाल मैं ये वाला ऐड कर लेता हूँ। तो 30-40 कैरेक्टर्स की लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसकी कोई टेंशन नहीं है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो अभी इसको अच्छे से पहले हम सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से जो प्लस वाला बटन दिख रहा है ऊपर साइड में आपको 100 के बगल में, इस पर टैप करना, फिर यहाँ से स्टिकर पर जाना है, सर्च वाले बटन पर यहाँ से हमको क्लिक करना है। यहाँ से हमको सर्च करना है येलो लाइट, तो येलो लाइट यहाँ से हम सर्च कर लेंगे। तो यहाँ से हम टैप करेंगे येलो लाइट पर, और जो चौथे नंबर पर आ रही है ना ये वाली लाइट, इसको डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले तो इसको लेयर वाला बटन है इधर, इस पर टैप करना, फिर इसको मूव डाउन कर देना जिससे कैरेक्टर से नीचे चले जाएगा। और उसके बाद इसको एडजस्ट कर लेना, इसको सेट कर लेना कैरेक्टर के नीचे कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा साइज़ अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। तो इतना होने के बाद प्लस वाले बटन पर हम टैप कर देंगे। देन अभी यहाँ से हमारा इतना पार्ट हो चुका, तो ऐसा हमको टेक्स्ट लिखना है, तो उसके लिए हम टेक्स्ट पर जाएंगे और जो भी टेक्स्ट जो भी टाइटल हमको अपने थंबनेल पर लिखना है ना वो यहाँ से हम लिख लेंगे। जैसे मैं थंबनेल लाइक यहाँ से लिख लेता हूँ, थंबनेल लाइक मेडी प्लेस लिखूंगा, तो पहले थंबनेल लाइक यहाँ से लिख लेता हूँ। उसके बाद जो ब्लू वाला बटन है ना उस पर टैप करना, फिर माय फॉन्ट पे यहाँ से हमको जाना है और यहाँ से आपको एक फॉन्ट डाउनलोड कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यूनिसेंस एविटैलिक ये वाला फॉन्ट है, इसको आपको अप्लाई कर लेना है। इसको हम पहले तो सेट कर लेंगे अच्छे से कुछ इस तरीके से, और इसको बीच में ला के कुछ इस तरह से सेट करने के बाद इसके क्या करेंगे हम शेडो पर जाएंगे। यहाँ से इसकी शेडो पर जाने के बाद जो सेकंड वाला है उसको फुल कर देंगे और जो फर्स्ट वाला है उसको ऐसे हम 20 रखेंगे। उसके बाद पोजीशन पर आने के बाद दोनों को ऐसे हम सेम कर लेंगे 100 कुछ इस तरीके से। देन अभी जो प्लस वाला बटन है ना उस पर हम टैप कर देंगे, फिर से यहाँ से हम टेक्स्ट पर जाएंगे और अपने जो सेकंड वाला टेक्स्ट है वो भी यहाँ से हम लिख लेंगे, और इस पर जाने के बाद इसकी शेडो पर जाएंगे, सेकंड वाले को फुल और फर्स्ट वाले को वहीं यहाँ से हम 20 रख लेंगे जो हमने ऊपर वाले में रखा था। फिर पोजीशन पर आने के बाद दोनों को यहाँ से हम 100 कर लेंगे। अभी क्या करना है, इसको पहले सेट कर लेना कुछ इस तरीके से अपने जो भी टेक्स्ट के नीचे, और फिर इसके कलर पर जाना है, फिर जाना है ग्रेडियंट पर, जो व्हाइट कलर है ना उस पर टैप करके इसको येलो कलर रखना है और ब्लैक कलर को आपको रखना है यहाँ से ऑरेंज कलर, तो ब्लैक कलर को ऑरेंज रख लेंगे कुछ इस तरह से हमारा टेक्स्ट में इफेक्ट आ जाएगा। तो अभी यहाँ से इसको प्लस वाले बटन पर हम टैप कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हम ऐड फोटो पे जाएंगे और अपना जो भी स्क्रीनशॉट उसको फिर से ऐड करना है, क्योंकि हमने जो किल्स वगैरह किए थे ना वो हमको ऐड करने हैं। तो इसके लिए हम कोई भी एक स्क्रीनशॉट ऐड कर लेते हैं, जैसे ये वाला मैं ऐड कर लेता हूँ। इसको ऐड करने के बाद यहाँ से क्रॉप वाला बटन है, इस पर टैप करना है और इसको कट कर लेना है। ऊपर जो किल है ना ब्लू और जो रेड में है ना, इनको आपको कट कर लेना है कुछ इस तरीके से, उसको कट कर लेंगे। उसके बाद इसका साइज़ पहले थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, इसको इस तरह से स्ट्रेच कर लेंगे, तो कुछ इस तरह से आप भी इसको स्ट्रेच कर लेना। और अभी यहाँ से क्या करना है, इसको यहाँ से नीचे साइड में ले आना बीच में, और इसका साइज़ है वो इंक्रीज कर लेना है। तो थोड़ा सा इसका साइज़ हम इंक्रीज कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ से हमको नीचे आना है इसके बॉर्डर पर, बॉर्डर पर टाइप करना, कलर यहाँ से वाइट रहने देंगे और साइज़ भी 25 रहने देंगे। अभी यहाँ से क्या करेंगे, इसकी शेडो पर आएंगे, शेडो पर टाइप करेंगे, सेकंड वाले को फुल कर देंगे, फर्स्ट को 70 रहने देंगे, और पोजीशन पर आने के बाद दोनों को यहाँ से हम कर लेंगे 100। तो दोनों को यहाँ से हमको 100 कर लेना। अब की बार इसके कलर पर टैप करके इसको वाइट कलर रखना, जिससे ग्लोइंग इफेक्ट आएगा ना, तो इसको यहाँ से मूव डाउन भी कर देंगे जिससे अपने जो टेक्स्ट नीचे जाए। तो एक बार इसको ऊपर कर देंगे क्योंकि कैरेक्टर से नीचे चला गया था, तो अब ऊपर रखेंगे इसको, और जो अभी अपना टेक्स्ट है ना उसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, क्योंकि अपना जो भी अभी जो हमने ये बैकग्राउंड ऐड किया था ना इसके ऊपर आ रहा है, तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं। तो इतना करने के बाद प्लस वाले बटन पर टैप कर देंगे और अभी यहाँ से हमको ऐड फोटो पे जाना है। तो अभी जो हमारी लेयर्स की लिमिट है कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको हम डन कर लेंगे।
और इसको डन करने के बाद अब यहाँ से हम क्लिक करेंगे ऐड फोटो पर। ऐड फोटो पर जाने के बाद आप जो भी लोगो वगैरह जो अपने थंबनेल में यूज करना चाहते हो ना, जिससे आपकी फाइट हुई वगैरह, वो ऐड कर लेना। तो मेरे पास कोई लोगो है नहीं है, तो इसलिए मैं अपना खुद का लोगो ऐड कर लेता हूँ। इसको क्रॉप पर जाकर कट कर लूँगा पहले। तो कुछ इस तरीके से इसको कट करने के बाद क्या करना है, सबसे पहले अपना थंबनेल को अच्छे से जूम करना है, और अपना जो भी ये है ना लोगो, इसको आपको जो बीच में जो पार्ट दिख रहे हैं ना दोनों क्लिप्स के बीच में जो टाइमर होता है, उस जगह पे इसको रखना है, और इसको इस तरह से स्ट्रेच कर लेंगे जिससे अच्छे से अपना जो बैकग्राउंड है ना उसमें आ जाए। तो थोड़ी सी हम साइड में रहने देंगे क्योंकि इसमें हम बॉर्डर भी ऐड करेंगे, तो इसके लिए आपको पहले बीच में रख लेंगे और नीचे जाएंगे इसके बॉर्डर पर। बॉर्डर पर आने के बाद जो इसका साइज इसको फुल कर देंगे, जिससे जो साइड्स में जो पार्ट्स आ रहे थे वो हट जाएंगे कुछ। इतना हमारा जो थंबनेल है वो पिक्सआर्ट का जो काम वो तो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी यहाँ से हम लाइटरूम में नेक्स्ट काम करेंगे, तो इसके लिए अभी यहाँ से हम इस थंबनेल को सेव कर लेते हैं। तो यहाँ से सेव वाला बटन ऊपर साइड में, इस पर टैप करके इसको हम सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद अभी यहाँ से हम बिल्कुल बैक आ जाएंगे, और अभी यहाँ से हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में आ जाएंगे। लाइटरूम में आने के बाद आपको सबसे पहले ऑल फोटोज वाला बटन है, इस पर टैप करना है। फिर यहाँ से ऐड फोटो वाले बटन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अभी हमने जो पिक्सआर्ट से थंबनेल बनाया है उसको ऐड कर लेना है अपने जो लाइटरूम एप्लीकेशन है उसमें। और उसी के साथ में आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको एक प्रीसेट है, तो इस प्रीसेट के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके आप इसको क्या करना है, अपने लाइटरूम में ऐड कर लेना। लाइटरूम में ऐड करने के बाद इस पर आपको टैप करना है सबसे पहले, तो अपना प्रीसेट है ना उस पर, उसके थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना है यहाँ से, और नीचे कॉपी सेटिंग का बटन है इस पर टैप कर देना है। फिर यहाँ से राइट वाला बटन है इस पर टैप कर देना है। फिर यहाँ से बैक कर देना है, और फिर अभी जो अपना थंबनेल है ना पिक्सआर्ट अभी हमने बनाया है उसको ऐड करना है। फिर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, और यहाँ से हमको कर देना पेस्ट सेटिंग। तो पेस्ट सेटिंग करते ही 1-2 सेकंड का टाइम लगेगा और आपका थंबनेल बन के रेडी हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा जो थंबनेल फाइनल बन के रेडी हो चुका है। सो गाइस यार आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो कैसी लगी कमेंट बता देना, पसंद आई होती एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब भी कर लेना। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।